हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार सानी। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों से उत्तराखंड का वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं उत्तराखंड काफ़ी दिनों से हूं। तो चलिए, एक नया वीडियो लेकर आ गए हम आप लोगों के लिए। यहाँ नानक माता डैम है, एक बहुत ही बड़ा सागर है, तो उसी का व्यू आपको दिखाएंगे। वहाँ का जो भी व्यू है वो दिखाएंगे हम आपको, क्योंकि बहुत दूर से लोग वहाँ जाते हैं। एक तरह से टूरिस्ट प्लेस माना जाता है उसको, क्योंकि जो उस वहाँ का सागर है के अंदर बनाया गया पार्टीशन, और उसके अंदर जाएंगे आप तो एक बहुत ही गहरा कुआं है, तो उस कुएं को देखने के लिए लोग जाते हैं। उसके अंदर भी जाते हैं नीचे, क्योंकि उसमें सीढ़ी भी बनाई गई है जाने के लिए। लोगों की वहाँ पर आस्था भी है, जाते हैं लोग वहाँ पर उस कुएँ को देखने के लिए। तो चलिए, हम आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, आल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच सके और आप देख सकें मेरी वीडियो सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो finally दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं नानक माता डैम। ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, देख पा रहे होंगे गाड़ियाँ खड़ी हैं। चलिए फिर हम भी अपनी गाड़ी को यहीं पे पार्क कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं हम आपको यहाँ का जो डैम है और जो कुआँ है उसका व्यू। तो ये देखिए दोस्तों, यहीं से शुरू होता है। ये जो देख पा रहे होंगे लोग उतर रहे हैं, ये सीढ़ी नुमा बनाया गया है, ये बांध है जो ये जो सागर है, जो डैम है उसके ऊपर ये बांध बना हुआ है। तो इस सीढ़ी के सहारे हम चल के ऊपर जाते हैं, और ये देखिए दोस्तों, ये लोग जा रहे हैं यहाँ का व्यू देखने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों वहाँ अंदर जाने के बाद, देख पा रहे होंगे ये लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, यहाँ का व्यू देखने के लिए। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग भी आ चुके हैं। चलिए फिर हम आपको यहाँ का सारा व्यू दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, सामने आप लोगों को दिख रहा होगा ये गेट नुमा बनाया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। ये देख पा रहे होंगे दोनों तरफ से गुंबद टाइप का है और बीच में पार्टीशन दिया गया है। ये देखिए इधर ये बांध है दोस्तों, यहाँ पे लोग आए हुए हैं, अपनी बाइक खड़ी किए हैं, घूमने के लिए जो लोग आए हुए हैं वो अपनी बाइक को यहाँ पे पार्क किए हैं। देख पाएंगे यहाँ पे दुकानें भी मिल जाएंगी दोस्तों, खाने पीने की भी दुकानें हैं इधर साइड में। ये देखिए दोस्तों, कितनी भीड़ है दोस्तों यहाँ पे, देख पाऊँगी ये अंदर एक और गेट लगाया गया है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे, जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको, जितनी दूर तक आपकी नज़र जा रही होगी ये केवल यहाँ पे ये जो डैम है पानी ही दिखेगा चारों तरफ से। ये और इस पानी के बीच में देखेंगे ये बनाया गया पार्टीशन जिस पे लोग जाते हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे चारों तरफ पानी पानी है और इसके बीच में ये बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी भीड़ है दोस्तों यहाँ पे, बहुत दूर से लोग आते हैं। देख पा रहे हो कितनी भीड़ है ठंड के मौसम में भी। ये देखिए दोस्तों, ये पीछे देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये पहाड़ है दोस्तों, ये काफ़ी दूरी पर है लेकिन फिर भी दिख रहा है यहाँ से कुहा होने के बावजूद भी। ये देख पा रहे दोस्तों, तो दोस्तों देख पा रहे मुझे काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ मैं यहाँ आके, लेकिन दिक्कत बस ये है कि बैग हाथ में लेके चलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं रखने के लिए बैग वगैरह। देख पा रहे काफ़ी एंजॉय किया हमने वहाँ पे जाके, लेकिन बैग ढोना पड़ता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोटिंग भी होती है दोस्तों, ये छोटी छोटी बोटें लगी हैं इसमें, आप चाहे तो यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। देख पाएंगे लोग आनंद ले रहे हैं इसका बोटिंग का, ये देख पाएंगे काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, नज़र जहाँ तक जाएगी आपकी वहाँ तक दिखाई नहीं देगा, केवल यही दिखाई देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये देख पाएंगे जो सामने गोल सा बना हुआ है, ये यही कुआँ है दोस्तों यहाँ का, इसी का व्यू देखने के लिए लोग आते हैं। इसके नीचे जा कर दिखाएँगे हम आपको यहाँ का व्यू, देख पाएंगे लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी आनंद ले रहे हैं दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग कुआं के पास पहुंच चुके हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, लोग अपने सिर पे पगड़ी पग बांध रहे हैं क्योंकि ये पंजाबियों का बनाया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे पंजाबी लोग ज़्यादा आते हैं, हमने भी पग बांध लिया है। चल के हम आपको दिखाएंगे, ये देख लीजिए इतना सुंदर बनाया गया है दोस्तों। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, यही वो कुआं है, देख पा रहे होंगे चारों तरफ से सीढ़ी बनी हुई है। और ये देख लीजिए, ये कुआं है दोस्तों जिसके अंदर पानी भी है। ये ऑलरेडी जो बना हुआ है पोटिशन चारों तरफ से, ये ऑलरेडी पानी के अंदर है, लेकिन फिर भी ये कुआं भी इसी के अंदर है। चलिए हम आपको नीचे चल के दिखाते हैं दोस्तों इसका व्यू, देख पाओगे चारों तरफ से रेलिंग की गई है ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। तो दोस्तों चलिए हम आपको नीचे दिखाते हैं। ओ तरीके दोस्तों, मेरा मोबाइल अभी गिरने वाला था, ऐसे भी बच गया। गिरते गिरते अगर गिरता तो ये फिर देख पा रहा हूँ कितनी ऊंचाई से हम नीचे आए, ये पानी में चला जाता। और ये जो पानी जो कुआं है इसके अंदर जाने के बाद फिर मिलने वाला तो था नहीं मेरा मोबाइल। चलिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आ गए हैं तो ये देखिए दोस्तों चारों तरफ से रेलिंग की गई है। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद काफ़ी डर लग रहा है, ये देखिए ऊपर का व्यू देख लीजिए, वहाँ से ऊपर से हम आ रहे हैं ये सीढ़ी के सहारे। काफ़ी मतलब अच्छा बनाया गया दोस्तों, यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इसको देखने के लिए। ये देखिए चारों तरफ से मैं दिखा देता हूँ, ये लोग कुछ आए हुए हैं नीचे। ये काफ़ी डरावना लग रहा है दोस्तों, लेकिन फिर भी लोग आते हैं क्योंकि इसके नीचे पता नहीं कितना गहरा होगा अभी। और अभी हम पानी के अंदर ही हैं क्योंकि दीवारें चारों तरफ से हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम ले चलते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों ये देख लीजिए, इसके ऊपर आएंगे आप तो देखेंगे चारों तरफ से गोलाकार बनाया गया है, यहाँ पे रेलिंग दिखी गई है। लोग आते हैं यहाँ से खड़े होकर इसका आनंद लेते हैं, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं यहाँ पे दोस्तों। काफ़ी इस तरह का व्यू होगा, देख लीजिए दोस्तों, ये चारों तरफ से इस तरह घुमा के बनाया गया है। अब देख पा रहे दोस्तों उधर से ये जो पोटिशन है, वहाँ जो बांध दिख रहा है वहाँ से हम लोग आए हुए हैं, वहाँ से लोग आते हैं इसको व्यू देखने के लिए। तो फाइनली दोस्तों हमने आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा दिया, और मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।